बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दी अरब इन्फो चैनल में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। अकामा के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करूँगी कि अकामा एक्सपायर हो गया हो या फिर इस वीज़े पर दोबारा सऊदी अरब वापस आना उनका मुमकिन है या फिर नहीं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप लोगों के साथ आज की वीडियो में ही शेयर करूँगी। ये तमाम डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो को लाजमी से लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, करते हैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि सऊदी अरब में विजिट वीज़ों की मुख्तलिफ इकसाम हैं, जिनमें फैमिली विजिट और कमर्शियल विजिट शामिल हैं। फैमिली विजिट वीज़े में सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्रीज होती हैं। सिंगल एंट्री वीज़े की इंतहाई मुद्दत 180 दिन होती है, जिसके बाद लाजमी तौर पर एग्ज़िट करना होता है, जबकि मल्टीपल एंट्री की मुद्दत 1 वर्ष तक की होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। वीडियो को एंड करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं और आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे पेज को मस्ट फॉलो कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक बिल्कुल नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपका अकामा एक्सपायर है, हरूब लगा है या फिर किसी भी किस्म का कोई मसला मसाइल है तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर रब्ता करके इजीली अपने मसले को हल कर सकते हैं।